आज मैं आपको कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखा रही हूँ। इस जन्माष्टमी आप अपने हाथ से कान्हा जी को ड्रेस बना के जरूर पहनाइए। ड्रेस बनाने के लिए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपके पास शाइनिंग वाला कपड़ा नहीं है। आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं नया और उसका ड्रेस बना सकते हैं, जैसे नेट का या कॉटन का भी आप ले सकते हैं। जो भी कपड़ा आपके पास है उसका ही आप ड्रेस बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर, ठीक है। ड्रेस बनाने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 10 मिनट में ही इसको बना लेंगे और आपका व्रत भी रहेगा तो आपका टाइम पास भी हो जाएगा। तो ड्रेस बनाने के लिए आपको अपने कान्हा जी की पुरानी ड्रेस लेना है, उसका नाप लेना है, फिर उसी नाप से हम बनाएंगे। ये कान्हा जी की पुरानी ड्रेस है, तो आपको अपने कान्हा जी की ड्रेस लेना है और उसकी लंबाई देखना है। पहले देखना है आपको आस्तीन की लंबाई, ठीक है। ये कान्हा जी की आस्तीन में रहता है, तो जैसे ये आस्तीन आ रही है 1 इंच 2 पॉइंट पे, तो ये लंबाई आपको लिख कर रख लेना है। और फिर लंबाई लेना है आपको घेरा की, तो जैसे घेरा आ रहा है 1.25 इंच का, मतलब 2 इंच में 2 पॉइंट कम, तो इसको भी आपको लिख के रखना है। अब आपको पूरी कमर की गुलाई देखना है, तो पूरी गुलाई है 4 इंच, ठीक है। तो इसको भी आपको लिख के रख लेना है, पूरी गुलाई आएगी 4 इंच। अब आप चाहें तो घेरा की गुलाई का भी नाप ले सकते हैं या घेरा अपने मन से भी बना सकते हैं। अगर आपको घेरा की गुलाई लेना है तो आप इस तरह इंची टेप से ले सकते हैं, आइडिया के लिए आप इस तरह देख लीजिए। जैसे ये घेरा हो रहा है 14 इंच का, तो इस तरह आपको आइडिया मिल जाएगा और उसी नाप से आप कटिंग करेंगे। और घेरा को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास कपड़ा है आप घेरा ज्यादा भी कर सकते हैं और घेरा को कम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रेस नहीं है तो आपको कैसे नाप लेना है वो भी मैं आपको आइडिया बता देती हूँ। जैसे नीचे से भगवान का जो पैर होता है वहां से आपको इंच टेप रखना है और उनके कंधे तक का नाप लेना है, यही भगवान की लंबाई रहेगी। और घेरा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कपड़े को डबल में किया और इसको उल्टा रख लिया। तो सबसे पहले निकालेंगे घेरा। घेरा की जैसे लंबाई है 1.25 इंच, तो उसकी कटिंग करेंगे हम 2.25 इंच के हिसाब से, लेकिन कपड़े को डबल रखेंगे घेरा में तो ये और सुंदर आएगा, ठीक है। तो इसकी कटिंग करेंगे हम 4.5 इंच से, तो ये 3.5 इंच में तैयार हो जाएगा और 1 इंच जाएगा इसका मार्जिन में। तो ये निशान लगा दिया हमने घेरा की लंबाई का। अब दूसरा निशान लगाना है आपको घेरा की गुलाई का। तो घेरा की गुलाई जैसे आ रही है 14 इंच, तो ये 14 हो गया, लेकिन इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा तो ये और सुंदर दिखेगा। तो घेरा पूरा ही रख लेते हैं जितनी कपड़े की लंबाई है और इसको काट लेंगे। इस तरह हमने काट के निकाल लिया है। उसके बाद अब आपको बद्दी के लिए कपड़ा निकालना है। अब हमें कान्हा जी की आस्तीन के लिए लंबाई लेना है, तो जैसे कि लंबाई 1.25 इंच है तो इसका निशान 2.5 इंच में लगाना है। तो जैसे एक साइड की लंबाई 1.25 इंच है तो ये पीछे तक जाएगा तो कितना आएगा 2.5 इंच, और दोनों साइड आधा आधा इंच मार्जिन का लेना है, तो इसकी कटिंग करना है 3.5 इंच से। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि लंबाई एक साइड से लेना है और पीछे तक का आपको ध्यान रखना है। तो ये 2.5 इंच हो गया फिक्स हमारा और 1 इंच बढ़ा दिया मार्जिन का, और यहाँ पे 1.25 इंच की चौड़ाई रख देते हैं। इसी तरह हम एक पट्टी और निकाल लेंगे। तो कान्हा जी की ड्रेस के लिए बस आपको इतनी सी कटिंग करना है। अब इसको खोलना है, सीधा किया और इस तरह पलट देंगे और अच्छे से दबा देना है, तो ये दोनों साइड इस तरह का दिखेगा।
अब इसमें पिन लगा लेते हैं। इस तरह हमने पिन लगा दिए हैं। अब इसके लिए अब आपको लेस लेना है। आप जितनी चौड़ी लेस लगाना चाहते हैं तो लेस लगा दीजिए, या पतली लगाना चाहते हैं तो पतली भी लगा दीजिए, और आप चाहें तो इसे सिंपल भी बना सकते हैं, ये आपकी पसंद के ऊपर रहेगा। तो इसको मैं थोड़ा पतला कर देती हूँ और बीच से इसको काट देंगे। तो सिलना शुरू करते हैं। अब आपको एक सिलाई डालना है पहले, इस तरह पकड़कर। इस तरह कपड़े को पकड़ेंगे और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला देंगे। तो दोनों साइड ही आपको इसी तरह सिलाई डालना है। एक पिन को निकाल देते हैं। इस तरह कपड़े को उल्टे साइड से पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला देना है। सिलाई डालना है और इसको पलट देना है। इसी तरह हमें इस साइड करना है और इस तरह पलट देंगे। तो दोनों साइड से बंद कर दिया है। अब नीचे की साइड लेस लगाना है, तो लेस शुरू इधर से करेंगे और लगाते हुए यहां तक घुमा देंगे। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है, पहले किनारे से डालेंगे और फिर यहाँ पे कॉर्नर बनाते हुए और यहां से निकाल लेंगे। तो इस तरह निकालते हुए किनारे से सिलाई चलाते हुए आपको पूरा लास्ट इधर तक करना है और इधर तक बना देंगे। तो कॉर्नर में बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि लेस को पहले इस तरह पकड़ना है और उसको पलट देना है। इस तरह करेंगे तो आपका कॉर्नर सुंदर बन जाएगा। बड़ी हुई लेस को काट के निकाल देंगे। अब क्या करना है, इसे तैयार करने के बाद अब हमें आस्तीन तैयार करना है और आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई चला देंगे। तो दोनों में ही आपको सीधी सिलाई डाल देना है। इस तरह हमने सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद अब इसको सीधा करना है। तो एक पिन लेंगे और इसमें डाल देंगे। इस तरह आपको सीधा कर देना है। इस तरह सीधा हमें इसे करना है। तो इस तरह खोलेंगे और जॉइंट की साइड इसमें लेस लगा देंगे। दो सिलाई डाल देना है। इस तरह दोनों में लेस लगा दी है। उसके बाद क्या करना है, इस तरह तिरछा करेंगे और एक इंच के हिसाब से यहाँ पे सिलाई डाल देंगे। या फिर आप इस बात को नोटिस करने के लिए आप अपनी ड्रेस से भी देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आधा इंच का जॉइंट है और आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो ये जॉइंट कितने का लगेगा आपका, एक इंच का। इस तरह आप पता कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आस्तीन कितनी खुली है, आधा इंच यहाँ पे जॉइंट लगा है, तो ये भी जॉइंट आपका एक इंच का लगेगा। तो एक इंच के हिसाब से यहाँ पे सिलाई तिरछी चला देंगे। इस तरह तिरछी सिलाई डालने के बाद अब इसको पलटना है और यहाँ पे सीधी सिलाई एक इंच की लंबाई से चला देना है। हल्की सी लेना है और दबा देना है, सिर्फ कपड़े को दबाना है। इसको भी पलटना है
और बराबर से यहाँ पे भी निशान लगा लेना है और इस कपड़े को भी दबा देना है। सीधे किनारे से रखना है मशीन और चला देना है। इस तरह दोनों आस्तीनों को तैयार करने के बाद अब आपको इस तरह खोलना है और इसको पलटना है, इसको उल्टा रखना है और इसको सीधा रखना है। इस तरह बराबर मिलाना है और प्लेटें डालते जाना है। तो इतनी ही जगह में आपको इसकी सारी की प्लेटें बनाना है। तो प्लेटें आपको काफी घनी बनाना है। मशीन चलाते जाएंगे और प्लेटें बनाते जाएंगे। इस तरह आपको घनी घनी प्लेटें बना देना है और इस तरह खोल देना है। तो इस तरह कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार है। इस तरह कान्हा जी की ड्रेस बनके कंप्लीट हुई। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी।